मधुबनी में अपराधी अब बेलगाम हो गए हैं और कहीं न कहीं थाना क्षेत्रों से लगातार ये खबरें आती हैं कि कहीं न कहीं अपराधी घटनाएं हो रही है। शनिवार को दिन दहाड़े स्कूटी सवार बदमाशों ने एक युवक को गोलियों से भून दिया है। गोली लगने के बाद युवक की मौत मौके पर ही हो गई। मामला जयनगर थाना क्षेत्र के कुआर छपराडी गाँव में मुख्य सड़क पर घटी है। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार अपराधियों ने शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और बड़े ही आराम से चलते बना। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक खजौली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। प्रेम प्रसंग में हत्या की बात सामने आ रही है। युवक अपने गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचा था, जहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे गोली मार दी। ग्रामीणों द्वारा घटना की जानकारी दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। जयनगर डीएसपी विप्लव कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, जल्द ही अपराधियों की शिनाख्त कर उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। बोला कि जो है थोड़ा बारिश लाश है, उनको गोली मार दिया गया है। हम लोग तुरंत पहुँचे और कमान काटे हम लोग लेकर के मधुबनी सदर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करें। कहाँ पे था ये? ये छपराही छपराही से आगे छपराही के बीच में था। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी बेटा बाजार नियर ग्रामीण बैंक।